हाय एवरीवन सो इस वीडियो में कुछ थोड़े बहुत अपडेट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और स्टार्ट करेंगे सो uh, मेजरली so, काफी सारी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं बट सबसे पहले दो जो एक बड़ी अपकमिंग हायरिंग्स आ रही हैं फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सो फर्स्ट वन इज नोवेगो ठीक है तो नोवेगो की तरफ से यहाँ पर जो आपका टेस्ट है वो सिक्सटींथ जून को होने वाला है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए केवल एक दिन अब रह गया है आई होप आप लोगों ने इस रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा ये कोडिंग टेस्ट होने वाला है उसमें आपको 8.5 की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी ठीक है so, सो ये एक तो बड़ी अपकमिंग हायरिंग है जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा दूसरा जो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है रिवेचर

मतलब टू के तो देखने को मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि रिवेचर एक साल में एक बार ऐसी हायरिंग कराती है और ये थोड़ा सा एक अच्छा नंबर होता है सो यू कैन ट्राई योर लक इन इन दिस हायरिंग ऑल्सो ठीक है नॉट टॉकिंग अबाउट रिवेचर यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ तो देखो रिवेचर में आपको जो टेस्ट होने वाला है उसका असेसमेंट आई uh, थिंक आप में से काफी लोगों को आ गया होगा एंड टॉकिंग अबाउट द टेस्ट असेसमेंट इन लोगों ने अपना पैटर्न मेंशन कर रखा है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो डेफिनेटली मैं काफी जल्दी लेके आने वाला बट द थिंग इज जो का पूरा टेस्ट टेस्ट है इस पूरे टेस्ट में आपको यहां पर एवरेज परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी ठीक है जो इसका कट ऑफ है ना वो उतना ज्यादा हाई नहीं जाता बट द थिंग इज यू नीड टू परफॉर्म वेल इन द होल टेस्ट ठीक है अगर आप पूरे टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो दैट विल बी एडवांटेजेस एडवांटेज

आपका काम शॉर्ट हो जाएगा ठीक है आपका काम शॉर्ट हो जाएगा सबसे पहले आपको इंटर्न मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपको फुल टाइम की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी ठीक है तो ये एक बड़ी और इंपॉर्टेंट हायरिंग होने वाली है लेट्स फोकस ऑन दिस हायरिंग एज वेल क्या होता है कि काफी बड़ी बड़ी हायरिंग्स चल रही होती हैं तो जो इस प्रकार की हायरिंग्स होती हैं उस पर ध्यान नहीं जाता है ज्यादा बट ये ध्यान करने लायक हायरिंग्स है ठीक है देन आगे बढ़ते हैं और एक अपडेट देना चाहता हूँ एक्सेंचर के बारे में तो एक्सेंचर की तरफ से आज काफ़ी सारे रिजेक्शन मेल फिर से भेजे गए हैं और अगर पर्टिकुलरली टॉपिकिंग अबाउट द रिजेक्शन मेल्स तो आज मेजरली जिन लोगों का 12 से 16 मई के बीच में इंटरव्यू हुआ था उन लोगों को मेजरली ज़्यादातर आज लोगों को Rejection mail पर रिसीव हुए हुए हैं, हैं। ठीक है? थीके? और 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 तो task verification mail तो अभी तक रिसीव नहीं हुए और एक चीज आपको और बताना चाहता कि कि उस दिन जब मैंने डाली थी कि के आउट हो गए हैं, ठीक है थीके? जैसा मैंने उस दिन भी बोला था अभी आप उस चीज को गारंटी नहीं मान सकते जो आपको वो वाला मेल रिसीव हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल नहीं आ जाता

उनको यहाँ पर ये यह वाले मेल्स रिसीव हुए हैं बट जो लोगों ने स्टार्टिंग में इंटरव्यूज दिए हैं मतलब मे के स्टार्टिंग में अभी उनके पास कोई अपडेट नहीं आया मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली अब टास्क मेल्स ही जाने वाले हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा होपिंग के जून में तो टास्क मेल्स यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है देन अब बात करते हैं टी की तो टी में भी यहाँ पर मल्टीपल अपन के इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं टी डिजिटल प्राइम और निंजा अब यहाँ पर हुआ क्या है कि टी सी की तरफ से एक्चुअली मैं काफी लोगों को पहले निंजा या प्राइम के लिए मेल गया था और उनको अब मेल रिसीव हो रहा है फॉर निंजा ठीक है पहले उनको मेल गया था प्राइम और डिजिटल की और अब निंजा का मेल रिसीव हो रहा है सो इज दिस एक्चुअली आई नॉट अबाउट इट यू नीड टू आस्क बिकॉज इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता की पता नहीं कैसे हुआ है क्या हुआ है बट शुरू में जब प्राइम का या डिजिटल का मेल आया था तो बाद में ये निंजा का क्यों रिसीव हुआ है काफी सारे बच्चों को सो आई डोंट नो मच अबाउट इट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट ओके सो so, ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बाकी आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा देखो अभी हायरिंग्स जब चैनल पर आ रही है सो so, हो क्या रहा है ना दो टाइप की होती है एक होती है मास हायरिंग ठीक है मास हायरिंग एक होती है डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग और एक होती है नॉर्मल प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग जिसमें काफी कम वेकेंसी होती हैं और काफी कम लोगों को यहाँ पर रिवाट आते हैं अब इन तीनों कैटेगरीज में जो सबसे बेनिफिट वाली कैटेगरी है वो मेरे हिसाब से है प्रोजेक्ट वाली जिसमें बहुत कम पोजीशन होती है अब मैं उसका एक आपको रीजन बताता हूँ अभी आज कुछ दो बच्चों का मुझे आ, मतलब मैसेज आया था और उस मैसेज में बोला हायरिंग आप ही ने डाली थी अब उसमें हुआ क्या कि आप ये मान लो कि तीन सौ बच्चों ने अप्लाई कर दिया मान लिया उसमें से मेल मान लो केवल पांच लोगों को गया अब बेनिफिट क्या हो जाता है जब इतनी है और जो केवल पांच लोग बचते हैं ना सो so, यहाँ पर चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के क्योंकि कॉम्पिटिशन कम हो जाता है अब डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर टेस्ट तो सभी लोगों को अटेम्प्ट करने को मिल जाता है बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर दस हजार लोग अप्लाई कर रहे हैं दस हजार लोगों ने टेस्ट दे दिया सो कॉम्पिटिशन लेवल क्या हो गया हाई अब देखो दोनों का कॉम्पिटिशन तो बराबर पड़ता है या तो आप शॉर्ट लिस्टिंग में कॉम्पटिशन करवा लो जिसमें आपके रेज्यूम के बेसिस पे या स्किल्स के बेसिस पे जि जिस किसी भी बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया गया और आपको मिल्स नहीं आए या फिर डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी में करवा लो तो डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी में आपने टेस्ट तो दिया बट उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था तो बेस्ड अपॉन द टेस्ट स्कोर स्कोर एंड आपको आगे का मेल नहीं आया तो दोनों ही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ दोनों ही अपने आप में ठीक हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कंपनीज टेस्ट भेज रही हैं हम केवल उनमें ही अप्लाई करें वो हम चीज वो चीज हमको बेनिफिट करेगी तो ऐसा नहीं है जो कंपनीज शॉर्टलिस्ट काफी ज्यादा कर रही हैं केवल काफी कम बच्चों को टेस्ट जा रहा है वो भी चीज यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकती है डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन कि अगर कम बच्चों को मिला आया और अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा कम हो जाता है बाकी मास हायरिंग्स तो बेनिफिशियल सबके लिए ही होती है जैसे तो अभी ये रिवीचर वाली हायरिंग है ये सबके लिए बेनिफिशियल होगी क्योंकि इसमें टेस्ट भी काफी लोगों को जाएगा और सिलेक्शन भी काफी सारे होंगे है ना सो so ये कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो